गाइज यार वेलकम आपका एक नए वीडियो पर। तो गाइज आज मैं आप लोगों को 10 माइनक्राफ्ट के न्यू अपडेट्स देने जा रहा हूँ जो कि 1.20 वर्जन में है। तो एक्चुअली में माइनक्राफ्ट में 1.20 वाला वर्जन फाइनली आ चुका है एंड यार बहुत दिनों से इंतजार था यार इस वाले वर्जन का, क्योंकि इस वाले वर्जन पर बहुत कुछ है जो कि मैं आप लोगों को इस वाले वीडियो पर बताने जा रहा हूँ। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तो गाइस जो पहला वाला हम लोग का है कि पिगलिन का हेड, तो एक्चुअली में कि पहले हम लोगों के माइनक्राफ्ट पे सिर्फ सिर्फ जो हेड्स मिलता था, एज यू कैन सी कि यहाँ पर सिर्फ पहले के 4 हेड मिलते थे, मतलब कि स्टीव का तो क्रिएटिव से लेना पड़ता था एंड बाकी का भी विदर स्केलेटन वगैरह का हार्ड हेड मिलता था। क्या बोल रहा हूँ, अभी 1.20 वाले वर्जन पर पिगलिन का हेड आ चुका है। ओके तो गाइस अगर आप लोग पिगलिन का हेड लेना चाहते हो तो नेदर पर जाओ, जाने के बाद एक क्रीपर को लेके जाओ एंड उसको चार्ज भी कर लेना एंड देन इसको इग्नाइट कर दो किसी भी से एंड देन आप लोगों को जो पिगलिन का हेड है वो बहुत ही ईजिली मिल जाता है। ओके जो सेकेंड वाला होने वाला है वो मेरा पर्सनली फेवरेट है। एक्चुअली में ये जो हैंगिंग साइन है ना ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि देखो यार इसका टेक्सचर वगैरह बहुत ही बढ़िया है एंड इसके नीचे भी आप लोग इसको लगा सकते हो, ऐसे करके आप लोग डिज़ाइन भी कर सकते हो इसे जैसे कि देख पा रहे हो एंड ऐसे करके आप लोग मतलब कि हाँ एक मतलब कि बहुत ही बढ़िया दिखता है एंड यहाँ पर डिफरेंट टाइप का जो हैंगिंग साइन है, तो ये वाला अपडेट मुझे बहुत बढ़िया लगा एंड इसका टेक्सचर भी मुझे बढ़िया लगता है। तो यप ये चीज़ जल्दी से कर दो सब्सक्राइब एंड या ये हैंगिंग साइन आया है जो कि आप लोग ऊड और चेन के साथ बहुत ही इजीली बना सकते हो। और जो थर्ड वाला होने वाला है वो है अगर आप लोग नोट ब्लॉक, देखो तो पहले नोट ब्लॉक का कोई वैसे कोई काम नहीं होता था ज़्यादा, तो अब आप लोग नोट ब्लॉक के ऊपर अगर आप लोग ऐसे करके किसी भी मॉब का हेड अगर आप लोग लगाओगे तो एंड देन आप लोग यहाँ पर अगर प्रेस करोगे तो उसी मॉब का जो मतलब कि जो आवाज करता है वो निकलेगा एज यू कैन सी एंड इससे आप लोग ट्रैप भी कर सकते हो। खास करके मुझे क्रीपर वाला बढ़िया लगा क्योंकि क्रीपर से बहुत बढ़िया साउंड निकला, मतलब कि जस्ट लाइक हाँ आगे मेरे पीछे आ गया ये फूटने वाला है अभी, हाँ तो ये मुझे बढ़िया लगा। ओके तो पहले क्या होता था 1.20 वर्जन के पहले की सोचो कि आप लोगों को ये रेड वूल को किसी और कलर में कन्वर्ट करना, लेकिन आप लोगों को इसके लिए वाइट वूल लगता था, किसी भी कलरिंग वूल से कोई और कलर पर नहीं कन्वर्ट हो सकता था। तो अभी क्या है ना कि आप अगर यहाँ से ऐसे सोचो कि मैं रेड वूल को ग्रीन पर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो डन यार लाइम वूल मेरा बन गया है एकदम एज यू कैन सी एंड अगर आप लोग ऑरेंज वूल को येलो पर कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऐसे भी हो जाएगा। तो यार ये वाला अपडेट बढ़िया लगा एंड इससे क्या होता है कि हम लोगों का ईजी भी कर दिया है माइनक्राफ्ट में, नहीं तो यार पहले वाइट वूल को बनाना या मतलब कि फार्म वगैरह बनाना या मुझे शेयर करना पड़ता था एंड क्रीपर तो बनाना पड़ता था, तो इससे बहुत ही गंदा होता था। तो खैर कोई यार ये क्रीपर ना कहीं पर भी फूट जाता है। ओके तो गाइस पहले हम लोगों के पास बोट हुआ करता था लेकिन अब बैम्बू का ये राफ्ट भी है एंड ये ऐसा कुछ दिखता है एंड अगर आप लोग यहाँ पर या स्पॉन कर दोगे बोट को तो ऐसा कुछ दिखेगा, देखो नीचे का दिख रहा है 4 एंड यहाँ पर ये वाटर के अंदर है एंड या एंड गाइस एक्चुअली में जो टेक्सचर होता है राफ्ट पर बैठने के बाद वो ही ये दिख रहा है, मतलब कि बोट की तरह अंदर नहीं चला जाता, वैसे बोट भी रियलिस्टिक ही है अंदर मैं चला जाता हूँ लेकिन यार राफ्ट कुछ ऐसा दिखता है सामने से। हाँ तो इसको बनाने के लिए बैम्बू का जो आप लोगों को लगेगा पहले तो मतलब कि बैम्बू लगेगा, बैम्बू से आप लोग बना सकते हो ये बैम्बू राफ्ट जो कि बहुत ही बढ़िया वाला अपडेट है मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ ये एक नया वाला चीज़ ऐड हुआ है माइनक्राफ्ट पे। तो चलो अगर इस माइनक्राफ्ट पे एक और नया चीज़ ऐड हुआ है जिसका नाम है चीजल्ड बुक शेल्फ। तो एक्चुअली में इसमें एक्चुअली में काम क्या रहता है कि सोचो कि आपके पास कोई भी ऐसे इंचेंटेड बुक रहता है तो पहले आप क्या करते थे चेस्ट वगैरह पर रखते थे, लेकिन अब बुक शेल्फ का रियल तरीके से यूज़ होता है तो मैं इस जगह पर रखना चाहता हूँ, तो मेरा जो प्लस वाला आइकन है उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ एंड देन यहाँ पर तो ऐसे करके एंड सोचो कि मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। अगर आप लोग इसको तोड़ोगे तो यप ऐसा कुछ दिखेगा, लेकिन आप लोगों को जो चिजल्ड बुक शेल्फ है वो आप लोगों को नहीं मिला। आई डोंट नो ये कैसा वाला है लेकिन हाँ मिलना तो चाहिए था ना,
खैर कोई नहीं, लेकिन हाँ ये अभी तो फिलहाल के लिए बढ़िया तरीके से यूज होने वाला है माइनक्राफ्ट पे। अब ये वाला सैंड एंड ये वाला ग्रेवल, मतलब कि सस्पिशियस ग्रेवल एंड सैंड आ चुका है, एंड इससे आप लोग ब्रश करके कोई भी सामान ले सकते हो। लेकिन यार पता नहीं मुझे क्यों यहाँ से कोई भी सामान नहीं मिल रहा है, शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, तो हाँ बता दो यार कमेंट्स पर देखो कि मुझे अभी तक एक भी सामान नहीं मिला, या मैं क्या गलती कर रहा हूँ, या ये ऐसी है कि बहुत देर के बाद मुझे मिलता है, या कोई एक एग्जैक्ट स्पॉट होता है जहाँ से ही हम लोगों को मिलेगा। तो बट यप ये वाला चीज़ ऐड हुआ है, जो कि आप लोगों को खास करके डेजर्ट पिरामिड पर भी मिलेगा, एंड उसके साथ जो वाटर के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह रहता है वहाँ पर भी आप लोगों को जो सस्पिशियस जो ये सैंड है ये मिलेगा, एंड माइनिंग के वक्त आप लोग ग्रेवल भी मिल सकते हैं आप लोगों को। इस माइनक्राफ्ट पे और एक चीज़ ऐड हुआ है साइंस से, और एक रिलेटेड है कि पहले मैं साइन को लगा देता हूँ एंड यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक कुछ भी वेल, तो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया है, एंड इसको सोचो कि आप लोग को एडिट करना पड़ेगा। तो अब पहले क्या करते थे, इसको तोड़ते थे देन लगा कर दोबारा एडिट करते, तो अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इस पर सिर्फ एक क्लिक करो देन ये निकल के आ जाएगा, एंड यहाँ पर आप लोग सही तरीके से कुछ भी लिख सकते हो, लाइक ये हैंगिंग पर भी काम करता है एज इट इज सेम करके। एंड गाइस और एक बात की देखो, जो हम लोग का जो साइंस रहता है ना, इसके पीछे हम लोग कुछ नहीं लिख सकते थे पहले, तो अब इसके पीछे भी आप लोग लिख सकते हो। तो यप तो आप लोग दोनों साइड पर लिख सकते हो। ओके, तो कैमल को आप लोग डेजर्ट बायोम में कहीं पर भी रैंडमली स्पॉन होते देख सकते हो, तो ज़्यादातर ये जो डेजर्ट विलेज है वहाँ पर स्पॉन होता है, तो आप लोग इसके ऊपर कोई भी सैडल को प्लेस कर सकते हो, लाइक मैंने सैडल को प्लेस कर दिया है, एंड आप अगर जो जाने का बटन होता है उस पर एक बार क्लिक करोगे तो धीरे से जाएगा, लेकिन अगर आप लोग दो बार क्लिक करोगे तो या इसका स्पीड थोड़ा सा भी लेकिन बढ़ जाएगा, एंड इसका मतलब कि ऐसे करके ये ज़्यादा भी दौड़ता है, एंड यप ये कहीं से भी पार कर सकता है। तो मैं जस्ट इमेजिन कि मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, एंड क्या करूँगा मैं कि यहाँ से मैं पहले तो दौड़ कर आऊँगा देन जंप लगाऊँगा, देखते हैं। ओके, एज यू कैन सी कि मैं पानी पर भी नहीं गिरा लेकिन वहाँ से यहाँ तक आ गया। तो ओके, तो गाइस सोचो कि मैंने यहाँ पर जॉम्बी को पहले तो स्पॉन कर देता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मैं सर्वाइवल पर हूँ लेकिन ये जॉम्बी लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ पा रहे, क्योंकि मैं कैमल के ऊपर हूँ एक्चुअली में, एंड थोड़ा सा तो डैमेज देखो कि मैं अगर इस जगह पर आता हूँ तो मुझे डैमेज में भी मिल जाएगा। अगर आप लोग कैमल के ऊपर रहोगे तो डैमेज आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये मतलब कि थोड़ा सा तीन ब्लॉक या 2.5 ब्लॉक्स तक का ये ऊपर रहता है कैमल हम लोगों का, तो इससे क्या होता है कि डैमेज आप लोगों को नहीं मिलेगा। वैसे तो ये वाटर पर आ गया है तो खैर कोई नहीं। एंड गाइस यार यही था हम लोगों का माइनक्राफ्ट का 1.20 का जो अपडेट्स, आप लोगों को कैसा लगा ये वाला अपडेट वो भी बता देना, एंड या कमेंट्स पर ये भी बता देना कि आप लोग ये वाला अपडेट्स आप लोगों को कैसा लगा, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।